देखिए, हमने बात की कि एनजीओ किस तरह से ये हरेसमेंट का पे काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि एनजीओ अपने अंदर तो हरेसमेंट ख़त्म कर ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जब कहते हैं ना कि काम करने वाला खुद उस आइडियोलॉजी पे नहीं है तो वो फिर चेंज नहीं ला सकता। एग्जैक्टली, ठीक है। अब वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने वाला शख्स जो है अपनी औरत को चार पर्दों में रखता है कि इन फैक्ट्स और इन रियलिटीज़ को हम लेकर आगे आना ही नहीं, लेकिन उन फैक्ट्स और रियलिटीज़ को हमने आगे लेकर आना है, उसके ऊपर बात जरूर करनी है। देखिए, यही हमारे मुनाफ़काना रवैये हैं जिसकी वजह से हम अभी तक चेंज नहीं ला सके। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लो, उन लोगों ने आइडियोलॉजी को अपनाया है, फिर उस पर काम किया है, तो देखें वो डेवलप हो रही है। और क्या वजह है कि बलूचिस्तान इतने सालों से यहाँ पर डेवलपमेंट सेक्टर काम कर रहा है और कोई चेंज नहीं है। और जहाँ तक बात हुई हरेसमेंट की, हरेसमेंट का एक इदारा बन चुका है, लेकिन अभी वो इदारा सेक्रेटरीट के एक रूम तक महदूद है। Exactly, वो आगे जो है वो उसने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया। इसका सिर्फ मैं एक एग्जांपल दूंगी कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया था, बिल्कुल आया था, बिल्कुल। और वहाँ पे फिर ये स्कैंडल इसलिए दबा दिया गया कि यहाँ पे बच्चियाँ सामने नहीं आई हैं। अब विक्टिम्स आपके सामने कैसे आएगा जब उनके सामने कमेटी में बैठे हुए लोग ही हरेसर हैं? एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात मैम। तो वो आप जब वो उसका हरेस करने वाला शख्स ही उसके सामने मौजूद है, वो किस तरह उसके सामने जाके अपना केस बयान करेगी? तो ये वाली एक चीज़ जो थी, काफ़ी लोगों बच्चियों को जो है वो मायूस किया था इस पूरे सिस्टम से। इसी हरेसमेंट की वजह से बहुत सारी बच्चियां एजुकेशन भी छोड़ देती हैं, अपनी जॉब से भी छोड़ देती हैं। हमारा अपना करियर रहा है, शुरू दिन से हम हरेस हो रहे हैं। Exactly. लेकिन हमारे अंदर वो पावर थी तो हम आगे निकल आए, उनको फेस करने का थोड़ा सा था, लेकिन हर बच्ची के अंदर वो नहीं होता। वो डर के बैठ जाती हैं। तो ये बड़ा एक मसला है। फिर आप वो जो एक 50% वाली पॉपुलेशन है उसको 50% तो आपने ये वाले हथकंडे इस्तेमाल करके तो उनको बिठा वहीं पे बिठा देना।